देखो ये वही अपना डिजिट प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है, थोड़ा कुछ उससे अलग है जो हमने क्वेश्चन किए थे, कुछ डिफरेंट है। देखो ध्यान दो, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ फोर डिजिट्स कैन बी मेड, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ फोर डिजिट्स कैन बी मेड विद नॉन जीरो डिजिट्स एंड नो टू कंसेक्यूटिव डिजिट्स आर सेम। देखो नॉन जीरो डिजिट्स लेनी है, नॉन जीरो डिजिट का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं, इनसे हमें फोर डिजिट्स के नंबर्स बनाने हैं, फोर डिजिट के, और नो टू कंसेक्यूटिव डिजिट्स आर सेम, कोई भी दो कंसेक्यूटिव डिजिट सेम नहीं होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। देखो अब जैसे पहले प्लेस को भरने के 9 वेज हो गए, अब जो डिजिट आपने यहाँ रखी होगी उसे यहाँ नहीं रख सकते, तो इसको भरने के 8 वेज हो गए। अब देखो जो डिजिट आपने यहाँ रखी है उसे यहाँ नहीं रख सकते, देखो जो यहाँ रखी थी उसे तो यहाँ रख सकते हैं क्योंकि कंसेक्यूटिव डिजिट सेम नहीं होनी चाहिए, है ना। तो मान लो हमने 9 में से कोई एक यहाँ रखी, इसको फिल करने के 9 वेज, जो डिजिट यहाँ रखी होगी उसे यहाँ नहीं रखेंगे, इसको फिल करने के 8 वेज। अब जो यहाँ रखी थी वो तो यहाँ रख सकते हैं, लेकिन जो यहाँ रखी थी वो यहाँ नहीं रखने, तो इसके फिर से 8 वेज ही हो गए, क्योंकि देखो इसको फिल करने के लिए हमारे पास 8 वेज बचे, क्योंकि जो यहाँ रखी थी वो तो यहाँ रख सकते हैं, जो यहाँ रखी थी वो यहाँ नहीं रख सकते। इसी प्रकार इसको भी फिल करने के 8 वेज हो गए, जो यहाँ रखी वो यहाँ नहीं रखेंगे, जो यहाँ दोनों रखी थी वो यहाँ रख सकते हैं। तो टोटल हमारे जो नंबर्स थे देखो वो कितने हो गए, 9 × 8 × 8 × 8, यही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा, 9 × 8 × 8 × 8, है ना। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये अपने क्वेश्चन का फाइनल आंसर है ना। तो डिजिट वाले हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, अभी और भी करेंगे उससे कुछ अलग हट करके जो हमने किए थे, ठीक है। लिखो बच्चों ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन देखो है ये।